वेलकम टू योर ओन चैनल क्रिप्टो विद एसबी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपके और मेरे सवालों के जवाब लेने आया हूँ अपने डैडा से। आपके सवाल क्या हैं? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे सवाल तो बिटकॉइन ब्लैक से रिलेटेड हैं। तो डैडा, बिटकॉइन ब्लैक क्या है और वो क्यों है लोगों की करेंसी? देखो बेटा, बिटकॉइन ब्लैक जो है ये बिटकॉइन की तरह ही ये करेंसी है, बट ये कम्युनिटी लेड क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉक लैटिस टेक्नोलॉजी पे बेस है। अब आप सोचोगे कि ये ब्लॉक लैटिस टेक्नोलॉजी क्या है और ये बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हो तो वो क्या होता है उसमें कि काफ़ी सारे कंप्यूटर जो हैं उस ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी एनर्जी लगती है, काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं और बिटकॉइन से जो ट्रांजैक्शन होती है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो एक आम आदमी उससे जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और जो बिटकॉइन ब्लैक है, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये एक सेंडर, मतलब मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, वैलिडेट कौन करेगा? सेंडर और रिसीवर का अकाउंट, और इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है जिसको कहते हैं हम अकाउंट चेन। क्या कहते हैं? अकाउंट चेन। तो अब बीच में क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रांजैक्शन जो है ये कॉस्ट फ्री है। मैंने आपको भेजे और हमारी जो है ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट चेन ने कंफर्म कर दी, तो ऑलमोस्ट मेरी और आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? फ्री होगी। इसीलिए ये किसकी करेंसी है? ये लोगों की क्रिप्टो करेंसी है। ये वो क्रिप्टो करेंसी है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से है। तो डैडा, इतनी जल्दी मैं बस नहीं करूंगा। मेरा अगला सवाल है, हमें बिटकॉइन ब्लैक क्यों चाहिए? देखो बेटा, हमें एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहिए थी जो कि बिटकॉइन, दूसरी जो करेंसीज हैं उनमें जो कमियां हैं उनको दूर कर सके। उनमें कमियां क्या थी? जैसे स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब ट्रांजैक्शन की स्पीड का क्या मतलब है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स उसको वैलिडेट कर रहे थे, तो इस सारी चीज़ में टाइम लग रहा था, हर चीज़ लग रही है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है वो लग रही है, तो एक आम आदमी तो उसको कर नहीं पाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब बिटकॉइन ब्लैक में क्या है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। क्या नहीं होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी और ऑलमोस्ट ये फ्री होगी, मतलब मैंने आपको पैसे भेजे, फ्री में भेज दिए, हमारा कुछ भी आपस में खर्चा नहीं आया। और यही जो है, यही चीज हमें चाहिए थी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी में जो कि फ्री में ट्रांजैक्ट हो, नहीं तो बैंकों में क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर रह जाएगा? अगर हमें क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे देने पड़े फिर क्या अंतर रह जाएगा? हम तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहते हैं जो मैंने आपको भेजी, आपने किसी को पैसे भेजे और पैसे एक मिनट में चल जाए और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, ठीक है? तो बिटकॉइन ब्लैक ने इन सारी कमियों को दूर किया है जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज में या फिएट करेंसीज में है। अच्छा डैडा, तभी आप बिटकॉइन ब्लैक को इतना प्रमोट कर रहे हो और लोगों कह रहे हो कि इसे अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ बेटा, यही रीजन है कि मैं लोगों को कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस करेंसी को अपनाओ, क्योंकि ये करेंसी आने वाले टाइम में आपकी, मेरी, हम सभी की लाइफ बदलने वाली है। और आपके पास अगर कुछ भी काइन हो तो ये काइन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि ये हमारी लाइफ कैसे बदल सकता है। देखो बेटा, बिटकॉइन ब्लैक विल बी ए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इन ए टाइम टू कम, और टाइम थोड़े दिनों में आ भी जाएगा जब सभी के वॉलेट में कॉइंस आ जाएंगे। अब कॉइंस का यूज कहाँ पे होगा? अगर आपने अपने फूड बाय करना है, कोई बिल पे करना है, रेंट देना है, इवन एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉइज को वेजेस देनी है, वो भी वो बिटकॉइन ब्लैक में दे सकता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं होगी। और खाली हम अपनी एवरीडे लाइफ में ये बिटकॉइन ब्लैक यूज नहीं करेंगे, इवन जो इंटरप्राइज इकोसिस्टम है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो भी बिटकॉइन ब्लैक को इजिली क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। जैसे आज बड़े बड़े क्या कर रहे हैं,
कॉर्पोरेट्स किसको अडॉप्ट कर रहे हैं? बिटकॉइन को कर रहे हैं। सारी डिपेंड करता है कि हम इसको कितना अपनाते हैं। तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और बिटकॉइन ब्लैक को अपने वॉलेट में रखना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब बिटकॉइन ब्लैक खाली हमारे फ्यूचर को ही ब्राइट नहीं करेगा, हमारी लाइफ को भी एम्पावर करेगा। और बेटा आपको एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो बिटकॉइन के केस में क्या है। जो टॉप के 1000 एड्रेस हैं उनके पास 50% होल्डिंग है। कितनी है? 50% होल्डिंग। जो लिटकॉइन में टॉप के 500 एड्रेस हैं उनके पास 60% होल्डिंग है। डोजकॉइन में जो टॉप के 600 एड्रेस हैं उनके पास 60% होल्डिंग है। बिटकॉइन ब्लैक के केस में जो टॉप के 100 एड्रेस हैं उनके पास सिर्फ 2% होल्डिंग है। कितनी है? 2%। जो टॉप के 1000 एड्रेस हैं उनके पास सिर्फ 10% होल्डिंग है। जो टॉप के 10,000 एड्रेस हैं उनके पास 11% होल्डिंग है। उसके बाद जो 1,00,000 एड्रेस हैं उनके पास 12% होल्डिंग है। और जो आगे के 1,00,000 एड्रेस हैं उनके पास 13% होल्डिंग है। कहने का मतलब समझ आया कि मैक्सिमम काइन लोगों के पास है जबकि बाकी क्रिप्टो करेंसी में किनके पास है? ये सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में है। और वो चंद लोग कौन है? किसी को पता नहीं। बिटकॉइन ब्लैक में क्या है? मैक्सिमम काइन किनके पास है? आम जनता के पास। तो इसीलिए आने वाले टाइम में जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी कौन सी होगी? बिटकॉइन ब्लैक। तो बेटा आप बिटकॉइन ब्लैक का हिस्सा हो? अभी तक तो नहीं, पर अब जरूर बन जाऊंगा। और दोस्तों आप भी अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो भी बिटकॉइन ब्लैक का हिस्सा बने। तो दोस्तों अब आपको भी मेरे बेटे के साथ साथ समझ में आ गया होगा कि जिस बिटकॉइन ब्लैक को मैं इतना पुश कर रहा था वो बिटकॉइन ब्लैक आखिर है क्या। क्योंकि मेरा बेटा रोज मुझसे पूछता था कि डैडा आप रोज बिटकॉइन ब्लैक को इतना बोल रहे हो तो मैं समझना चाहता हूं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप सभी भी समझना चाहते होंगे। तो मैंने समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रहते होंगे, कोई जिज्ञासा बाकी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मेरी आपकी हम सभी की जिंदगी जो है बिटकॉइन ब्लैक जो है ये बदल के रख देगा। कैसे बदल के रख देगा? क्योंकि यही है असली करेंसी जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों से ही है। वीडियो खत्म करने की चाहता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।